नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शमीम अहमद के साथ गले की ख़राबी के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि गले की ख़राबी का तذکرہ हो रहा था, इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेशुमार लोग इस चीज़ को, क्योंकि कुछ नौीयत इस तरह की होती है और मामला इतना आम हो गया है कि अक्सर अहमियत नहीं देते। इब्तदाई तौर पर तो अहमियत ना देना मेरे ख्याल से किसी हद तक जायज़ भी है, लेकिन जब हफ्ते भर से ज़्यादा मामला हो जाता है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ताखीर की जाए तो ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? जी, चूँकि ये हमारा पहला डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन जैसे कोई भी चेक पोस्ट में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जब ये सिक्योरिटी गार्ड एक्सक्यूज़ मी कमज़ोर पड़ जाए और तबीयत ठीक ना हो रही हो किसी की, इसका मतलब है सपोर्ट की ज़रूरत है। अब सपोर्ट जो है वो डॉक्टर और जो मौलवी वही दे पाएगा। बिल्कुल तो पेचीदगी होने से पहले बेहतर है कि अपने डॉक्टर से इलाज करा लिया जाए। अशरफ साहब, कॉम्प्लिकेशंस में अक्सर तذکرہ आता है एक ऐसे गले के इन्फेक्शन का जिसके बिना पर आगे चलकर दिल मुतासर हो सकता है या इवन जॉइंट्स भी मुतासर हो सकते हैं। ये हमारे खत्ते में कितना आम है? हमारे हमारे इलाके में इन्फेक्शन तो वैसे ही कॉमन बहुत है, गले का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। और चूंकि गुर्बत है, इल्म भी लोगों को पूरा नहीं है, अंडर ट्रीटमेंट होता है या सेल्फ ट्रीटमेंट होता है विच इज़ नॉट जी कम्प्लीट, तो पेचीदगियाँ हैं। पहले से मुकाबले में कुछ कम हुई हैं शहरों में, लेकिन अभी भी वो मामला ख़त्म नहीं हुए। जैसे टॉन्सिल के जरासीम की वजह से आपने जिक्र किया हार्ट में तक फैल जाना, रूमेटिक फीवर बहुत कॉमन है जिसमें जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट के जी वेल्व इन्वॉल्व जाते हैं सिर्फ एक छोटे से जर्म से। अगर उसका सिर्फ एक हफ्ते इलाज करा लिया जाता है पेनिसिलिन के जरिए, जो भी इंजेक्शन जो भी दवाएं चल रही हैं, तो वो बिल्कुल नापैद किया जा सकता था। कुछ लोगों को गुर्दों की खराबी भी आ जाती है, बेचारे बच्चों के गुर्दे बिगड़ जाते हैं कि जी जरासीम के और गुर्दों की टिश्यूज आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और वो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को आप देखेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चले जाते हैं, वो सिर्फ ज़रा सी एक लापरवाही सिर्फ इस के लापरवाही और पूरी पूरी ताखीर ना की करने बिना से पर। उम्र भर का। पहले के ज़माने में लोगों को दिमाग में प्रॉब्लम भी होते थे, जिसमें दिमाग की झिल्लियाँ ख़राब हो जाती थी, कोरिया वगैरह होता था। अब अल्लाह का शुक्र है शहरों में कम से कम, चूंकि हम लोग कंसनट्रेट डॉक्टर ज़्यादातर शहरों में ही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एट हैंड हैं, अगर कोई बंदा पहुँच जाता तो कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुए अभी भी ये मसाइल बिल्कुल हैं। अशरफ साहब, इलाज की अगर बात की जाए तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में दो चीज़ों को खासी अहमियत हासिल है, एक एंटी एलर्जिक दवाएं और दूसरी वो दवाएं जो कि एंटीबायोटिक होती हैं। इन दोनों के सिलसिले में सेल्फ मेडिकेशन का अमल भी खासा नज़र आता है। इसके अलावा एक चीज़ और जो नज़र आती है वो ये है कि डॉक्टर ने जितने अरसे के लिए दवाएं तजवीज़ की होती हैं वो उतने अरसे तक इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसे ही अलामत किसी हद तक मादूम होती हैं लोग दवा खाना छोड़ देते हैं। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना एक दफ़ा जब उन्हें तजवीज़ कर दिया जाए कितना अहम है, और सेल्फ मेडिकेशन जिस तरह से की जाती है, जैसे कि वालिद साहब को गले की ख़राबी अगर हुई तो उनको जो दवा दी गई है क्या वो बच्चे के लिए भी सही होगी? जी नहीं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक जूता बनाया जाता है वो एक बंदे के लिए है, सबके लिए नहीं, जब तक वो दूसरा बड़ा ना हो जाए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन हर चीज़ में हमारे मुल्क का एक प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल है। लोग एक दूसरे को दवाएँ पास कर रहे होते हैं, बल्कि ना सिर्फ फैमिली में बल्कि मोहल्ले वालों को भी और बताने वालों को खुद ही लग जाते हैं, जी विच इज़ नॉट फेयर, मतलब सही नहीं है, मरीज़ के लिए भी सही नहीं है और यानी वो अपने एक आप के माशरे के साथ लिए भी सही ज्यादती कर नहीं है रहे कि होते भाई हैं। जो काम मेरा नहीं है वो मैं क्यों करूं, जी मैं अगर टीचर हूं तो मैं टीचिंग करूं, मुझे इलाज क्यों करना है। तो ये बिल्कुल तो ज़रूरी है हर शख्स अपना काम करे। अगर मुझसे मशवरा लिया गया तो जो मैंने पैसे लेके आपको हिदायत दी है वो आपके फ़ायदे में दिए हैं, वो इलाज पूरा होना चाहिए, वरना जरासीम जो है वो दोबारा आ जाएंगे। अब जो जरासीम आएंगे वो ताकतवर होंगे, मज़ीद मज़ीद मुदाफ़त पैदा करके आएंगे और वो उस दवा से नहीं करेंगे, मतलब काबू नहीं आएंगे, तो जी फिर मर्ज बिगड़ के आएगा। और यानी आप ये अपने इलाज को पूरा ना करके अपनी बीमारी को मज़ीद ख़राब कर रहे ना होते हैं। सिर्फ अपना ख़राब कर रहे हैं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से में कॉलोनी को आप मजबूत कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो कि फैलेगा फिर। ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, जी एंटीबायोटिक से मजाहमत वाले जरासीम में बहुत मौजूद हैं। जी अशरफ साहब, इसी तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की अगर बात की जाए तो बच्चों के अंदर अक्सर व बेशतर ये सुनने में आता है कि डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि टॉन्सिल्स निकलवा दिए जाएं। आपने बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, किन बच्चों में इतना इंतहाई अमल करना पड़ता है और टॉन्सिल्स निकालने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ जाती हैं?
ये सबसे बच्चों में तो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑपरेशन है पूरी दुनिया में, इवन सर्कमसीजन से ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चियों में भी होता है जी और काफ़ी सेफ ऑपरेशन आज की दुनिया में है, अल्लाह का शुक्र है अब जी काफ़ी सेफ है। लेकिन हमारे कौम का वही मसला है कि चूँकि जो बिलीव्स हैं वो हम लोग ऑपरेशन फोबिया में भी रहते हैं, बिल्कुल बहुत से लोग तो ऑपरेशन के बाद सुनकर दोबारा मुड़ के नहीं आते हमारे पास। बिल्कुल लेकिन आपने कहा कि मरीज़ को क्या नुकसान होता है, यस सिक्योरिटी गार्ड होता है हमारा, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड घर में बार बार चोरी करा रहा हो या वही रास्ता दिखा रहा हो दूसरों को, तो आप क्या करेंगे, जी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड लाएंगे या उसको हटा देंगे? तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी और गार्ड दिए हैं, चूँकि ये ख़राब कर रहा है, ख़राबी की जड़ अब ये बन गया है, यहीं जरासीम बैठे हैं, ये इतना ख़राब हो चुका है कि अपना काम नहीं कर पाएगा, या थोड़ा बहुत काम कर रहा है मगर ज़्यादा खराबियाँ पैदा कर रहा है, तो उसका आप निकाल लेना ही बेहतर है। मतलब एक तरह का इलाज में ये भी शामिल है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन दूसरा जी इलाज का ऑल्टरनेटिव ये कि फिर जब भी ज़रूरत हो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनकी हिदायत के मुताबिक दवा ली जाए, ये भी एक रास्ता है। मतलब लाइफ सेविंग ऑपरेशन नहीं है, क्वालिटी जी बेहतर करने वाला ऑपरेशन है, यानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ज़िंदगी लिए। बेहतर बनाने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बड़ों में बात की जाए तो क्या जिस्म में मौजूद और बीमारियां भी गले की ख़राबी का बायस बन सकती हैं? जैसे कि बेशुमार लोग मैदे में तेजाबियत का शिकार होते हैं, क्या ये भी एक वजह बन सकती है कि आपका गला बार बार ख़राब हो रहा हो? और वजूहत होती हैं, जैसे बच्चों में हमने कहा टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा होता है, बड़ों के गले की ख़राबी जो है ज़्यादातर तेजाबियत के अलावा, तेजाबियत भी एक वजह बनती है, लेकिन इतना कॉमन नहीं जितना कि दूसरी वजह है, वो है नाक की और साइनसेस की एलर्जीज प्लस माइनस इन्फेक्शन या दोनों। नाक की जो जितनी रतूबत है नेचुरल और नॉर्मल, उसका रास्ता ही गला है, जी गले से होता हुआ वो पेट में जाता है और बिल्कुल ये फाइनल डिस्पोज होता है, ये कुदरत का निज़ाम है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जब ये ज़्यादा बनेगा या जब इसमें जरासीम ज़्यादा हो या पस वाला मादा गले में बार बार आए, तो फिर ये गले को भी ख़राब करता है, गले में खराश होगी, गले के टॉन्सिल्स, गले की झिल्लियाँ, गले के पट्टे, तालू सब सूज जाएंगे, वहाँ से फिर ये सांस के नाली में फैल सकता है और बकिया मसाइल भी पैदा करता है। इसको हम दायमी हलक का ख़राब होना कहते हैं, टॉन्सिल्स का वाला ताल्लुक ये नहीं है, ये लोगों में एक थोड़ी सी गलत फहमी है, जी गला ख़राबी और टॉन्सिल ख़राब होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। टॉन्सिल एक छोटा सा फोकल कॉज है गले के ख़राब होने का, हलक पूरा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी सबसे बड़ी वजूहत नाक की, साइनस की एलर्जी, इन्फेक्शन या दोनों। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर गले की ख़राबी के मुताबिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।